अनेक रहस्यों से भरपूर हमारे यूनिवर्स की सीमा क्या है, यह तो आज तक इंसान जान नहीं पाया। मगर साइंस की मदद से जितना जान पाया है उसमें भी अनगिनत सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज भी साइंस के पास नहीं है। हमारे यूनिवर्स में इतनी सारी एनर्जी और मटेरियल समाया हुआ है जितनी की गणना करना या फिर उनका कल्पना करना भी हमारे बस में नहीं है। उनमें से ही एक है वाइट होल, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे कि क्या होता है वाइट होल और ये बनता कैसे है। एक थ्योरी के अनुसार हर ब्लैक होल का भी अंत होता है, और जब किसी ब्लैक होल का अंत होता है तो वह निगले हुए सारे मटेरियल को उगलना शुरू कर देता है, और इसी को कहते हैं वाइट होल। वाइट होल के बारे में एक दूसरी थ्योरी भी है जिसका कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है, मगर साइंटिस्ट का यह मानना है कि ऐसा भी हो सकता है। इस थ्योरी के अनुसार ब्लैक होल और वाइट होल आपस में जुड़े हुए हैं, और ब्लैक होल जो भी मटेरियल जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स आदि को निगलता है तो वह एक वाइट होल से बाहर निकलता है। ब्लैक होल और वाइट होल को जोड़ने वाले बीच की कड़ी को वॉर्म होल का नाम दिया गया है। वाइट होल और ब्लैक होल आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही चीजें एक सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, व्हाइट होल स्पेस में प्रेजेंट स्पेस टाइम और सिंगुलरिटी की एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी चीज एक्सेप्ट एनर्जी एंड लाइट बाहर से अंदर की ओर नहीं जा सकती। मतलब कि व्हाइट होल के अंदर सिर्फ लाइट और एनर्जी ही जा सकती है। व्हाइट होल और ब्लैक होल दोनों को ही आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन के माध्यम से बनाया गया है, इसलिए कई साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये दोनों ही चीजें एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। वैसे दोनों ही ब्लैक होल और व्हाइट होल की अपनी अपनी चार्ज, मास और मोशन है, बट ये दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। अगर हम व्हाइट होल की इवेंट होराइजन को ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के साथ जोड़कर देखें तो पता चलेगा कि ये जो चीज व्हाइट होल की इवेंट होराइजन को लांग कर चली जाती है वो खुद ही अपने आप ब्लैक होल की इवेंट होराइजन को भी पार कर लेती है। सीधे शब्दों में कहें कि जब भी कोई ब्लैक होल ह्यूज अमाउंट में एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके क्षण भर में ही गायब हो जाता है तो उसके अंदर मौजूद एनर्जी आखिर कहाँ जाती है? तो नेचुरली वो एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म में यूनिवर्स में ही तो रहता होगा। इसी एनर्जी से ही व्हाइट होल पैदा होता है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ब्लैक होल से ही व्हाइट होल का जन्म होता है। शॉर्ट फॉर्म में कहें तो ब्लैक होल अपने लाइफ टाइम में जितनी भी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है मरते वक्त वो उन सभी चीज़ों को अपने शरीर से बाहर निकाल देता है, और जब वो इसको निकालता है तो वो जिस फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसे ही हम व्हाइट होल कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि व्हाइट होल क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।